हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी कुछ भी नहीं की हूँ, एक मिनट आवाज़ बंद कर देती हूँ टीवी का। और 12 बजने वाला है, मयंक अभी आने वाला होगा। और मैं ना नहाई हूँ ना धोई हूँ, कुछ भी नहीं की हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और हस्बैंड भी नाश्ता करके गए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। प्लेट भी मैं उठा के नहीं रखी हूँ, यहीं पर रखा हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और तब से मैं बैठ कर टीवी देख रही हूँ, अभी मयंक भी आ जाएगा। फिर मुझे आज कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है, ना नहाने का मन कर रहा है ना कुछ। मयंक को मैं आज भुंजिया और रोटी नाश्ता में दे दी थी टिफिन में, उसके बाद मैं सो गई और 9 बजे सो के उठी। उसके बाद फिर मतलब सब्जी बना दी और रोटी, और इन लोगों को दे दी खाना। और अभी गैस भी साफ नहीं की हूँ, कुछ काम नहीं की हूँ, केवल वही चाय वगैरह बनाई, पी ली और बैठ के टीवी देख रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए प्लेट वगैरह सब ऐसे ही रखा है, उसको भी मैं उठा कर नहीं रखी हूँ। हस्बैंड नाश्ता करके गए मयंक को लाने के लिए। यहाँ पर इसी तरह से काम वाली टेबल लगा के गई है झाड़ू पोछा करके, तो टेबल भी इसी तरह से है, नाश्ता का प्लेट यहीं पर है, टीवी में अनुपमा चल रहा है, चटाई वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ। और उसके बाद फिर मयंक आ गया, वो सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बनाई हूँ, तो उसको बाद में डालूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बड़ा हो रहा था। इसमें मैं रियल आवाज डाली हूँ, गाना वाना का और आवाज का भी, तो इसको स्पीड भी नहीं बना सकती थी और काट भी नहीं सकती थी, तो इसीलिए। और देखिए मैं किचन में क्या कर रही हूँ, किचन में मैं फूल मस्ती में महादेव के भजन सुन रही हूँ प्रदीप मिश्रा जी के, और उस पर मैं डांस करते रहती हूँ और खाना बनाते रहती हूँ। मैं आज अंदर के बाद आप लोगों को दिखा दी, और मेरे डाइनिंग हॉल में महादेव के फोटो लगा हुआ है, तो मैं उधर मुड़ मुड़ के और डांस कर रही हूँ। और मैं इसी तरह से जिस दिन मैं अपना मोबाइल से ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, उस दिन मैं अपने मोबाइल में चला लेती हूँ शिव पुराण का सॉन्ग, और मैं इसी तरह से डांस करते रहती हूँ, नहीं तो फिर टैब में चला लेती हूँ। तो आप लोगों के साथ कभी मैं शेयर नहीं की थी, देखिए शिव पुराण का चल रहा है गाना और फिर मैं इसी पर डांस कर रही हूँ। और आप लोगों को मैं कभी नहीं दिखाई थी, मैं सोची चलो सबको शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा जब मूड खराब रहता है या मन नहीं लगता है तो मैं इसी तरह से भजन चला लेती हूँ, तो मेरा मूड भी ठीक हो जाता है और मन भी लगने लगता है, और मतलब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ इस तरह से भजन चला के और डांस करने लगती हूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। Oh,
भोलानाथ चाहिए ओ काशी रहने वाला, भोलानाथ चाहिए Thank you.
दोबारा फिर आऊंगी।